नमस्कार, प्रणाम। मैं कल्पना पटवारी। आज मैं खास बातचीत करने के लिए आप लोगों के समक्ष आई हूँ। दो नाम मैं हमेशा लेती हूँ, एक है भूपेन हजारिका जी और दूसरा नाम है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर, द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर करने के दौरान बिहार के अलग अलग भूमि में अलग अलग जगह मैं खोज के लिए गई और भिखारी ठाकुर जी जहाँ उनके जन्म स्थान है छपरा के पास कुतुबपुर गांव, अचानक उनके जो परिवार अभी भी है उनके प्रपौत्र, उन लोगों से मेरा एक परिचय होता है, बातचीत होती है और धीरे धीरे एक अलग एक रिश्ता में तब्दील होती है। एक खोज ये भी रहा प्रोजेक्ट करने के दौरान कि भिखारी ठाकुर जी को व्हाई ही इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर। दो साल पहले जब मैं लंदन गई, मुझे खास ये इच्छा रहा लंदन में, लंदन से 3 घंटा आगे स्ट्रैटफोर्ड अपन एवन ये जगह का नाम है जहाँ शेक्सपियर की जन्म स्थान है, भूमि है, और वहां तक मैं गई और शेक्सपियरन हाउस को मैंने देखा। उधर की सरकार ने किस तरह से उनके घर को ही नहीं, सिर्फ शेक्सपियर हाउस को, फिर उनके पद चिन्ह को भी किस तरह से बैरिकेड करके कैसे रखा। और उसके बाद वापस जब मैं इंडिया आई, एक्चुअली मैं गंगा स्नान नामक एक द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर करने के बाद नेक्स्ट गंगा स्नान के ए मोरे गंगा जी नामक एक भिखारी ठाकुर जी की ही रचना में मैं काम कर रही हूँ फिलहाल, और ये करीब अभी 2 साल कंप्लीट होने को आया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक तरह से मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें मैं काफी समय दे रही हूँ। भिखारी ठाकुर जी और जैज संगीतज्ञ भारतवर्ष के लुई बैंक्स को जोड़ने की बात है, जो अब तक ऐसा हुआ नहीं, और बहुत पैशनेटली मैं इन्वॉल्व हूँ। खैर, पिछले साल मैं गंगा स्नान की शूट के दौरान बनारस में रही और इसी समय की बात कर रही हूँ, अगला 18 तारीख को भिखारी ठाकुर जी की जयंती है, और मुझे लगा कि लंदन होके आई, लंदन में शेक्सपियर हाउस देख के आई, घर देख के आई, तो मुझे कम से कम एक बार कुतुबपुर गांव जाना चाहिए, और मैं बनारस से सीधा कुतुबपुर के लिए निकली। मैं गई और मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, मैं अचानक वहां पे गई, फिर देखा कि हमारे बिहार सरकार द्वारा ही जो एक आयोजन होता है हर 18 तारीख को, दिसंबर की 18 तारीख को, उस आयोजन की ओर भी मैं गई और मुझे बहुत थोड़ा दुख हुआ। अब इस समय में, इस जमाने, उस समय में भिखारी ठाकुर जी के समय में जो हुआ, उनको शोषण किया गया, जो भी वजह हो, लेकिन अब कम से कम अब नहीं हो सकता ये। मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं होने दे सकती हो तुम कल्पना, ये मुझे अंदर से एक ऐसा आवाज आया। और भिखारी ठाकुर ऑडिटोरियम एक होना चाहिए, और भिखारी ठाकुर ऑडिटोरियम हो, फुल्ली एसी एक ऑडिटोरियम हो, जहां पे अगर रंगमंच से उन्होंने सोचा कि मैं समाज को बदलूंगा, तो कम से कम कुतुबपुर के जो बच्चे हैं, अभी की जो पीढ़ी की बच्चे हैं, जो रंगमंच को सीरियसली लेना चाहते हैं, कम से कम उस ऑडिटोरियम के अंदर वर्कशॉप्स हो, कर्मशाला हो, डेली उन लोगों, वो लोग एकजुट होके वो सब नाटक को प्रैक्टिस करें, कि उनको कम से कम याद हो कि हाँ, इसी भूमि से गए हैं, कुतुबपुर से ही गए हैं भिखारी ठाकुर, और हम लोगों को उसको लेगेसी को बरकरार रखना है। जो भी खैर, जो भी हो, कम से कम होता गया, अब तक ये होता गया कि हर 18 दिसंबर को ये भिखारी ठाकुर जी के कुतुबपुर गांव में, उनके आश्रम में, ये एक श्रद्धांजलि समारोह होता है। इस बार मैं जब कुछ दिन पहले पटना में थी, तो मुझे उनके जो प्रपौत्र है और जो परिवार है, वो लोग मुझसे मिलने आए, और उन लोगों ने इस बार भी ये किया, इच्छा व्यक्त की कि आप आइए इस साल भी। तो मेरा एक्चुअली ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट है, तो मैं इस साल नहीं जा पाऊंगी, मैंने उनको कहा, लेकिन मेरे लिए ये भिखारी ठाकुर जो आंदोलन एक मेरे लिए अंदर एक है, वो सिर्फ कुतुबपुर में खत्म नहीं होती है। मैं अगर दोहा में जाऊंगी तो उधर भी भिखारी ठाकुर जी हर मंच में होते हैं, मैं अगर पैडीफिल्स में गई, इंटरनेशनल एक फोक फेस्टिवल, वहां भी भिखारी ठाकुर की डंका बजा के आई। सो ये मेरे लिए यात्रा, भिखारी ठाकुर नाम की जो एक आंदोलन है, ये हर जगह है। और फिर मैं बॉम्बे पहुंचती हूँ, बॉम्बे पहुंचने के बाद अचानक मुझे कल फोन आया कि एक मदद चाहिए आपसे, ऐसा एक सिचुएशन है कि हर बार जो भिखारी ठाकुर जी के आश्रम में ये आयोजन होता है, इस साल माफिया घुस गया है, मैंने जितना समझा, कुछ बालू माफिया और ये सब मिलके इस तरह से आए हैं कि भिखारी ठाकुर जी के आयोजन के नाम से कला संस्कृति विभाग की तरफ से जो पैसा आता है, जो लाखों रुपए आते हैं, उसी में, उसी को कौन किसके पास रखेगा, किसके
पेट में ज्यादा जाएगा, किसके पॉकेट में ज्यादा जाएगा, वो ज्यादा ध्यान है मुझे लगता है सबको। और मैक्सिमम तो आप देखेंगे 18 तारीख को मैक्सिमम, अब तक तो द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर बोल के फुल स्टॉप, वो तो मैंने हर बार कहा ही है, और पता नहीं उनको शेक्सपियर से क्यों कंपेयर किया जाता है। और दूसरी बात, माल्यार्पण होंगे उस दिन, याद करेंगे उनको, और सेल्फी खींच के बहुत सारे कलाकार उधर ही कहानी खत्म हो जाती है। ये कोई आंदोलन नहीं हुआ, ये कोई भिखारी ठाकुर की लेगेसी या उनकी विरासत को आगे लेने की बात नहीं हुई। खैर मैं वो कंप्लेन नहीं कर रही फिलहाल, मुझे उन लोगों से फोन आया उनके परिवार की तरफ से, और उन लोगों ने एक बोला कि इस बार हमारे आश्रम में हम लोगों को बिना परिवार वालों को लिए बगैर उनको इग्नोर किया गया, और कोई दबंग है वहां के जो अपने जीत के लिए या जो भी उनकी पर्सनल इंटरेस्ट है कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, कुतुबपुर में नहीं होके कहीं 1 किलोमीटर आगे कहीं शिफ्ट किया गया, और उधर ये आयोजन हो रहा है। हम लोग बहुत दुखी है, और हम चाहते हैं कि आपके जरिए ये आगे तक, आगे ऊपर तक ये मैसेज जाए। तो पहले तो मैं खुद लगा कि मैं इसमें क्या करूं, मैं क्या हेल्प करूं, मैं जहां तक गीत है उनकी म्यूजिकली इन्वॉल्व हूं और उसको तो मैं आगे ले जाने की बात, वो मेरा एक पर्सनल ये है यात्रा है, लेकिन इस ये थोड़ा सा अलग एक मुद्दा आया मेरे सामने। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे कम से कम उनके मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए तो मैं एक जरिया कम से कम बन सकती हूं, उतना मुझे करना चाहिए। सो मैं चाहूंगी कि उनके प्रपौत्र सुशील जी एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के मुझे भेजे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनको एक बार सुने। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं भोजपुरी के शेक्सपियर लोक कवि भिखारी ठाकुर का मैं प्रपोता हूँ। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर 130वीं जयंती कला संस्कृति एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में मनाई जा रही है, लेकिन इस वर्ष भिखारी ठाकुर आश्रम कार्यक्रम स्थल छोड़कर 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे गांव के दबंग ललन राय के साथ अनुमंडल पदाधिकारी ने 60 गांठ बनाकर इस जयंती को मना रहे हैं। कला संस्कृति विभाग से जयंती समारोह करने के लिए मिलने वाली राशि की लूट खसोट करने के लिए समारोह का स्थल बदला गया है। हमने शिकायत प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी से की है। भिखारी ठाकुर जयंती समारोह कुतुबपुर दियरा स्थित भिखारी ठाकुर के आश्रम पर शुरू से होते आ रहा है। जब अनुमंडल पदाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि प्रशासन क्या होती है मालूम है, और कहा बड़े बालू माफिया को डांटा से पिटवाने में देरी नहीं की तो तू क्या है। हमने कहा कि सर हम कोई तो बालू माफिया तो नहीं है, और इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मेरी जिद है कि ललन राय के ही जमीन पर जयंती मनाऊंगा। हर वर्ष जिला प्रशासन भिखारी ठाकुर के परिजन को पूछा जाता है, लेकिन इस वर्ष परिजन को पूछा तक नहीं गया और जयंती स्थल को बदल दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ दिनांक 14 12 2017 को बैठक हुई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कार्यक्रम करने के लिए आश्रम छोटा है। इस बात पर हम लोगों ने आश्रम के बगल में लगभग 18 कट्ठा जमीन उपलब्ध कराया। इसके बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मेरी जिद है कि ललन राय की जमीन पर ही भिखारी ठाकुर जयंती मनाऊंगा।